आज हम एक बड़ा बनाएंगे। एक बड़ा हमने पहले भी बनाई है और ये हम बनाएंगे 34 इंच की। अब इसमें जैसे आप कितनी भी साइज की बना रहे हो, 34, 32, 36, 39, उसके आप जैसे ऐसे चौकोन पीस करेंगे और चार हिस्सा जैसे बराबर करेंगे। जैसे 34 है, 34 है तो उसमें 8 चौक 32, 2 इंच बचेगा, उसका भी चौथा भाग करेंगे तो आधा इंच, 8.5 इंच। ये हमने कपड़ा लेना है चौकोर में, जैसे 8.5 इंच लंबा लेना है, 8.5 इंच हमने चौड़ाई लेनी है। ऐसे चौकोन में ये कपड़ा लेना है। ये बीच का, इसका ये बीच का पार्ट बनेगा और ये हमारा ये चारों तरफ की, हम आज आगे की बटन वाली ये डोरी वाली भरा बनाएंगे, जो आगे आप बटन भी लगा सकते हैं, आप डोरी डाल के उसको बांध भी सकते हैं। पीछे का हुक्का वाली पहले हमने बना चुकी है, अब हम बनाएंगे आगे की बटन वाली। तो ये हमारी पट्टी चारों तरफ की ये पट्टी है और ये हमारा जैसे बेल्ट है, इसे ऊपर के ये लैस है बेल्ट। तो ये हमारी जैसे 13 इंच की लंबाई है इसकी और चौड़ाई हमारी 2 इंच की है। ये देखिए 2 या 2.5 इंच आप ले सकते हैं, इसमें जितनी चौड़ाई करनी है, और लंबाई हमारी 13 इंच की है। और ये हमारा 34 है तो 8.5 इंच ये चौकोन में लिया है, 8.5 इंच चौड़ा लिया है, 8.5 इंच लंबा लिया है। ये 34 का है, आपको 32 की बनानी है तो 8 इंच का ये लंबा लेंगे, 8 इंच का ये चौड़ा लेंगे। और 36 की बनानी है तो 9 इंच ये लंबा लेंगे, 9 इंच ये चौड़ा लेंगे। तो इसमें जैसे जितने भी आपको जैसे चौड़ाई है, 34, 36, 39, 34, 22, कितने भी है, उसका आपको चौथा भाग करना है। और चौथा भाग करके बराबर उसका एक पीस चौथा भाग का चौकोन पीस ऐसे लेना है, लंबाई चौड़ाई करके बराबर। फिर ये पट्टी है हमारी, ये पट्टी हमारी इसकी चारों तरफ की है, जो हमारी बॉडी का चारों तरफ का माप है इस पट्टी का। ये पट्टी हमारी जैसे अभी आगे बताएंगे इसको ज्वाइंट कैसे करेंगे। और ये हमारी ऊपर की जैसे बेल्ट बताइए आपको, ये आप 13 इंच भी ले सकते हैं, 14 इंच भी ले सकते हैं। इसमें आपको हुक डालनी है, इसे कम ज़्यादा करना है तो आप इसमें बड़े पीस भी ले सकते हैं। और आपको इसमें जैसे कम ज़्यादा का हुक नहीं डालने हैं तो आप इसमें 13 इंच की पट्टी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें ये चौकोन पीस लिया है, इसमें 2 पीस हैं जैसे डबल, ये देखिए एक पीस ये है, एक यह है, ये भी डबल में है, डबल कपड़ा है। और ये प्योर कॉटन है, ये देखिए ये डबल पीस है और ये भी डबल पीस है। अब इसको कटिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले हम इसमें ये इसका आगे का इसका भाग कटिंग करेंगे। ये पट्टी हमारी कटिंग की है, ये हमने 13 इंच लंबी ली है और ये 2 इंच या 2.5 इंच इसमें चौड़ाई ले सकते हैं। और ये पट्टी हमारी जैसे ये है चारों तरफ की बेल्ट, ये हमारे इसके नाप से कटेगी। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखिए ये हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके और फिर हम इसको एक कोना से, एक कोना पर ऐसे मिलाएंगे। आप इस कोने से इस कोने को भी मिला सकते हैं और इस कोने से इस कोने को भी मिला सकते हैं, जैसे भी आपको कोई से भी कोने से मिला सकते हैं, कोई भी कोना आपको। और ये मिला के हर हम यहाँ से, पहले हमने बड़ा बताई थी वह हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई की थी, एक भाग उठा के यहाँ से ऐसे सिलाई की थी। अब की बार हम इसमें यहाँ से कटिंग कर देंगे और उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से ये फोल्ड किया है, ये भाग हम काट देंगे। जो भाग हमने ये फोल्ड किया था इसका पीस ऐसे होगा, और पहले हमने ये ऐसे ही सिलाई कर दिया था। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलाई कर लेंगे, तो ये हमारे ऐसे भाग बनेगा ही।
ये सिलाई करेंगे तो दूसरा भी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और एक कोना से, ये कोने से और एक कोने को ऐसे मिलाएंगे। यस, इसको मिला के ऐसे करके निशान भी लगा सकते हैं और ये यहाँ से हम कट कर देंगे ऊपर का भाग। ये कट कर दे, ये दोनों पीस हो गए। ये देखिए ये ऐसा ऐसे होगा। अब हम इसको ऐसे सिलाई कर लेंगे, दोनों भाग को हम ऐसे सिलाई करेंगे और ऐसे सिलाई करेंगे। ये सिलाई करने के बाद हम ये दूसरी पट्टी कट करेंगे। ये देखिए ये हमने सिलाई किया, दोनों का ऐसे सिलाई किया। ऐसे सिलाई करके हम ऐसे सीधा करेंगे तो ये ऐसे होगा। अब हम इसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे, सिलाई करते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे करते दोनों तरफ से, यहाँ से भी यहाँ से भी दोनों भाग के। पूरा यहाँ करेंगे यहाँ और इसको भी दोनों तरफ से सिलाई कर दें। देखिए ये दोनों साइड से हमने सिलाई कर दिया, इस साइड का भी और इस साइड का। अब हम इसमें इसको दोनों का ऐसे ज्वाइंट करेंगे। नीचे का भाग है ऐसे होगा और इसको हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, जैसे इतना सा 1.5 इंच से लंबाई मिलेंगे, 1/2 इंच से चौड़ाई मिलेंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। ये देखिए ये ऐसे हो गया। अब हम इसको, ये पट्टी है जो, ये पट्टी हमारी चारों तरफ की कमर की पूरी पट्टी, इसको हम इसका नाम से जो ये है इसका नाम से पट्टी कटेगी। जैसे ये है इसका नाम से हम ये पट्टी लेंगे इसके बराबर की, ये पट्टी इसके बराबर की लेंगे और पीछे की भी इसके बराबर की ऐसे पट्टी आएगी। ऐसे लेंगे हम, इसमें हम 2 इंच थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे जो हमारे जैसे लास्टिक डालेंगे तो होल्डिंग के लिए और बटन लगाएंगे तो उसमें काजोर बटन लगाने के लिए, हर डोरी डालेंगे तो उसमें कैच की बांधने के लिए 2 या 3 इंच इसमें लूज ले सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे लेंगे हम, तो ये पट्टी हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे, पीछे के हिस्से में हम ये ज़्यादा लेंगे, ऐसे ऐसे लगाएंगे थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ और आगे के हिस्से में हम छोटी लगाएंगे। तो पहले हम इसके बराबर की पट्टी लगाएंगे आगे की तरफ,
ये देखिए, ये पट्टी हमने ऐसे लगा लिया सीधी साइड में। अब इसको हम ऐसे पट्टी करेंगे। तो उससे पहले हम पीछे की पट्टी लगाएंगे। पीछे की पट्टी हम जैसे ये इसके बराबर का लगाया है, बीच में ये हमने 1.5 इंच का यहाँ होल छोड़ दिया, थोड़ा ऐसे ऐसे रहेगी। तो अब हम इसको पीछे की पट्टी को यहाँ तक करेंगे, ऐसे लगाएंगे यहाँ से और यहाँ तक आएगी, ये ऐसे ज्वाइंट कर देंगे और इस साइड में भी ऐसे ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। ये नाप आप आपकी कमर के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे चेस्ट है उसके हिसाब से। ये भाग ज़्यादा रहेगा तो ये पट्टी भी ज़्यादा आएगी, ये कम रहेगा तो ये पट्टी भी कम रहेगी। और इसकी चौड़ाई आप 2.5 इंच ले सकते हैं, 2.5, और ये जैसे 2 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं। और पीछे की थोड़ी ज़्यादा लेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 इंच ज़्यादा ले सकते हैं, 1.5 इंच ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अब ये ऐसे फोड़ो। अब हम इसमें इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने से पहले हम आगे का, जैसे हमने यहाँ से हम कट करेंगे थोड़ा लास्टिक डालने के लिए या डोरी डालने के लिए, आगे का भाग का हम थोड़ा कट करेंगे, बीच बीच का यहाँ से हम कट कर देंगे। इतना कट करके और इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये ऐसे इसके धागे नहीं निकलेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम फोल्ड करेंगे ऐसे। ये फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, इस सिलाई के ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड आएगा। और फिर इसको यहाँ से हम नाड़ा डालेंगे, इसका मुंह ये रहेगा। तो ये फोल्ड करते हैं और ये देखिए, ये हमने ये सिलाई कर दी है। ये आगे थोड़ा ज़्यादा है पीछे की साइड का, इसका सपोर्ट के लिए। और ये देखिए, ये हमने कटिंग किया यहाँ से, जैसे रस्सी भी ऐसे डाल सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, लास्टिक भी डाल सकते हैं यहाँ से। ये आगे की तरफ रहेगा डोरी डाल के, और हम इसको जैसे बांध भी सकते हैं। अब हम इसमें ऊपर की बेल्ट लगाएंगे। तो ऊपर की हमने ये सिलाई करके रखी है, ये आपको बताया था 13 इंच लंबी है, और चौड़ाई आप इसकी 1.5 इंच 2 इंच रख सकते हैं, जितनी आपको चौड़ाई पसंद है। आपको इसको कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें अंदर की तरफ ऐसे लगा देंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये आपको बताया था, ये ऐसे लगाया है, ये ऐसे अंदर की तरफ ऐसे लगा के और सिलाई लगा दिया, और फिर पीछे की तरफ ऐसे लगा दिया। यहाँ से ये 6 इंच या 5.5 इंच, 6 इंच भी कर सकते हैं और 5.5 इंच भी यहाँ की दूरी, इसके बाद आप लगा दो ये पीछे की साइड। दोनों का हमने ये लगा दिया ये बेल्ट।
अब हम इसमें ये है नाड़ी, जैसे एक डोरी डाल लेंगे बांधने के लिए, आपको इलास्टिक डालना है तो यहाँ से इलास्टिक डालना है, और यहाँ चारों तरफ घुमा के यहाँ तक ले के और यहाँ सिलाई करनी है इलास्टिक के। तो ये फिर ऐसे ही इकट्ठा हो जाएगा जितनी आपकी जैसे शरीर का है हेल्थ के हिसाब से इसमें वो इलास्टिक डालना है। इससे जैसे आधे से ज़्यादा इलास्टिक लेना है, जैसे ये चौड़ाई है से आधा से ज़्यादा चौड़ाई से इतना इलास्टिक लेना है और फिर उसमें डालना है। अब हम ये डोरी डाल रहे हैं, ये डोरी हमारे कपड़े की बनाई है, ये डोरी ये बांधने के लिए जितना आपको जैसे टाइट करना है लूज करना है उस हिसाब से आप ये डोरी डाल के और बांध सकते हैं। तो ये हमने कपड़े की बनाई है, इसको ऐसे पिन से भी डाल सकते हैं, सुई से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको ऐसे पहनने के बाद, और यहाँ हम इसको जितना आपको टाइट करना है उस हिसाब से ऐसे खींच के, और हाँ हम इसको बांध सकते हैं ऐसे बांध के और अंदर की तरफ ऐसे करें। ये हमारी बरा तैयार होगी, जो आगे की बटन भी लगा सकते हैं, इलास्टिक भी लगा डाल सकते हैं और डोरी भी डाल के आप बांध सकते हैं। तो ये हमारे कमेंट में बहुत, तो ये आगे की बटन वाली बरा बताओ, तो ये आगे की बटन वाली बरा है, इसमें हमने डोरी डाल दी है, आप बटन भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये हमारी बरा, ये प्योर कॉटन है, गर्मी में पहनने के लिए बहुत ही अच्छी है। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, थैंक यू।